तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, बहुत ज्यादा इंटरनेट पे आजकल एक चीज चल रही है, ध्रुव राठी रिप्लाई टू एल्विश यादव। क्या है ये मामला, कहां से शुरू हुआ, क्यों इतना तूल पकड़ लिया, और ध्रुव राठी जो कि पीएम मोदी के लिए वीडियो बनाते हैं, वो एल्विश यादव पे वीडियो बनाना कैसे शुरू कर गए, और क्या सही है क्या गलत है। तो इन सारे मुद्दों पे आज थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस मुद्दों को शुरू कहां से हुआ। तो ये शुरू यहां से हुआ कि ध्रुव राठी को अक्सर अपनी वीडियोस में दूसरे यूट्यूबर्स का रेफरेंस देना अच्छा लगता है। कभी वो अच्छे वे में देते हैं, जो कि मैंने कभी देखा नहीं है वैसे, कभी वो बुरे वे में देते हैं। तो इसी कुछ वे में इन्होंने कई यूट्यूबर्स का नाम लिया, जिसमें एल्विश यादव का नाम भी था। मिसोजिनिस्ट बोल के इन्होंने एक वीडियो बना दी थी, जिसमें उनकी वीडियोस का यूज किया और इनका नाम लिया। तो इसके रिप्लाई में फिर एल्विश यादव ने इनको अपनी वीडियोस में इनके बारे में बोलना शुरू कर दिया, एंड उन्होंने इस पे एक फुल फ्लेज वीडियो बना दी। रुक जाइए, आपको दिखा ही देते हैं उस वीडियो को। तो इन्होंने बनाई एक्सपोजिंग ध्रुव राठी एंड हिज एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा। 16 मिलियन व्यू आए इस पे। एक महीने पहले एल्विश ने ये वीडियो बनाई थी, जिसमें एल्विश ने ध्रुव राठी के स्टाइल में ही सबूत दे दे के इनके बारे में बहुत सारी चीजें आउट करी, जिससे कि ये उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि ध्रुव राठी जो है एंटी इंडिया है, वो इंडिया के खिलाफ हैं, और जो उनकी पूरी प्लानिंग है वो इंडिया के अगेंस्ट चल रही है। जिसके बाद एक ऐसी लहर चली ध्रुव राठी के अगेंस्ट, जहां पे बहुत सारे लोगों को ये लगने लग गया कि ध्रुव राठी जो एक एंटी नेशनल है, एंटी इंडियन है। पहले जब ये मुद्दा स्टार्ट हुआ ना, ये मुद्दा ऐसी बेस पे शुरू हुआ था कि हम देश की बात कर रहे हैं, कौन देश के लिए अच्छा है, कौन देश के लिए बुरा है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। पर वहां से चलते चलते ये मुद्दा पर्सनल हो गया, यानी कि पब्लिक से ये पर्सनल हो गया, और इसके रिप्लाई में अब दो पार्ट की वीडियो बनाई है मिस्टर ध्रुव राठी ने, जिसका पहला पार्ट उन्होंने एक महीना पूरा रिसर्च करके फिर उन्होंने एक दिन पहले ये वीडियो आउट की है, जिसमें उन्होंने लिखा है माय रिप्लाई टू गोडी यूट्यूबर्स, जिसमें उन्होंने थंबनेल में नाम लिया है एल्विश जी का, और देख ही सकते हो आप पूरा एक जोकर बना के उनको ध्रुव राठी एक्सपोज्ड का। और फिर उन्होंने हर एक उस वीडियो में जो जो सबूत एल्विश ने यूज किए थे, उसके अवज में अपनी पूरी पक्ष रखा और बताया कि कैसे वो सारे सबूत जो है वो फेक थे, और क्या सच्चाई है उसके बारे में पूरा बताया, जो कि काफी ज्यादा कन्विंसिंग लग रहा है। और ये 30 मिनट की तकरीबन वीडियो, और ये पहला पार्ट, अभी इसका दूसरा पार्ट भी आना है। अब जो चीज एक पब्लिकली शुरू हुई थी, एक देश के नाम पे शुरू हुई थी, पर्सनल हो चुकी है। अब इस पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एल्विश का भी बहुत जल्दी रिप्लाई आएगा। एंड अब आप अगर इसमें मेरा राय जानना चाहो कि कौन सही है कौन गलत है, तो मुझे लगता है ध्रुव राठी, जो कि जाने जाते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बात करने के लिए, इन्होंने पिछली इलेक्शंस में रख दी, क्योंकि जो पूरा मीडिया था वो एक तरफ हो चुका था, और ध्रुव राठी एक लौते थे जो दूसरी साइड के मुद्दे पक्ष में आवाज उठा रहे थे। तो विच मींस के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात कर रहे थे। अगर इनकी हम बाकी वीडियोज पे भी थोड़ी सी नजर डाल लें कि किस तरीके के मुद्दे उठाते हैं, लेट्स सी। देखिए, फेक लाइफ ऑफ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, व्हाट इफ आई बिकम इंडियाज प्राइम मिनिस्टर, गूगल्स 2 ट्रिलियन बिजनेस मॉडल, नीट 2024, साइंस बिहाइंड एक्सोरसिज्म, माय फाइनल मैसेज बिफोर इलेक्शन। तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे उठाते हैं। इज इंडिया द विश्व गुरु पीएम मोदी वर्सेस पीएम नेहरू, तो कैसे कैसे मुद्दों पे वीडियोस बनाते हैं। तो इनका औहदा ना एक अलग लेवल का है। तो अब ये पर्सनल किसी की बनाई गई वीडियो पे पर्सनली एक वीडियो बनाकर रिप्लाई कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ध्रुव राठी का जो लेवल है ऐसा नहीं है, जो उनका कंटेंट है वो ऐसा नहीं है। एंड आई थिंक कि एक स्पेशल एक वीडियो डेडिकेट करना इस चीज को, वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया मेरे अकॉर्डिंग। वो अपनी किसी वीडियो में चलते फिरते ये बोल देते तो इनफ होता, बिकॉज उनकी ऑडियंस उनके मुद्दे सब जानते हैं, और बहुत बार वो मुद्दे लोगों को पसंद नहीं भी आते हैं, बट उनका ओपिनियन है, ठीक है। और ये एक डेडिकेटेडली वीडियो बनाना मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज्यादा हो गया। वहीं मैं एल्विश की बात करूं, तो एल्विश ने भी जो वीडियो बनाई थी उसमें भी काफी ज्यादा सॉलिड प्रूफ थे,
बट अब जो इन्होंने सारे ही प्रूफ उनके जो है वो फेक साबित कर दिया, तो जब एल्विश का रिप्लाई आएगा तब पता चलेगा कि एल्विश के पास वो सबूत कहाँ से आए, किस बेसिस पे उन्होंने वो वीडियो बनाई थी। और मुझे लगता है इस लड़ाई में अभी तक ध्रुव राठी का पलड़ा भारी है इस वीडियो के आने के बाद। और इस वीडियो पे अगर आप देखोगे तो एक ही दिन में 16 मिलियन व्यू आ भी चुका है, एंड आई डोंट नो भी आगे कहाँ जाने वाली है, क्योंकि जो एल्विश के फैंस हैं वो भी इस पर रिप्लाई कर रहे हैं और जो एल्विश के हेटर्स हैं वो भी इस पर रिप्लाई कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा गर्माने वाला है मुद्दा। आगे जाके कमेंट सेक्शन में बता दो आपको कौन सही लग रहा है, ध्रुव राठी सही है या एल्विश यादव सही है। आई थिंक अगर कोई भी चाहे ध्रुव राठी चाहे एल्विश यादव चाहे मैं ही क्यों ना हो, अगर कोई इंडिया अपने देश के खिलाफ जा रहा है तो वो तो 100% गलत है। बट अगर कोई उसकी गलत इमेज बना रहा है और फेक तरीके से उसको इंडिया के अगेंस्ट बोल रहा है और एक इमेज गलत क्रिएट कर रहा है, तो वो तो फिर बहुत ही ज्यादा गलत है। आप बता दो आपका इस मुद्दे में क्या सोचना है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।